तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही हेल्दी और उतना ही टेस्टी गुजराती नाश्ता सुरती लोचो। बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बस आप सारी स्टेप्स अच्छे से फॉलो कीजिए। मैंने रेसिपी पूरी डिटेल में बताई है, सिर्फ आपको हर एक स्टेप वैसे ही फॉलो करनी है और पहले अटेम्प्ट में आपकी रेसिपी एकदम मज़ेदार बनकर आएगी। एकदम ब्राइट येलो कलर होगा, टेक्सचर भी परफेक्ट होगा और टेस्ट भी एकदम परफेक्ट होगा और थोड़ा चटपटा भी, जैसे आपको पसंद है। हेलो, आई एम मोनिका टावरी, स्टूडेंट ऑफ बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, पैशनेट फॉर कुकिंग एंड अ बिग फूडी। सो वेलकम टू मोनिकाज फूड स्टेशन। बहुत अच्छी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कप चना दाल और थोड़ी सी उड़द दाल, एक कप में दो चम्मच उड़द दाल को रात भर भिगो के रखेंगे या तो फिर 8 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। साथ ही में मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच पोहे, उनको बस 15 मिनट पहले भिगो कर रखा है, और एक कटोरी में हरी मिर्च और अदरक ली है। अभी हम मिक्सी का पॉट ले लेंगे और उसमें डाल देंगे सबसे पहले चना दाल। पहले हम चना दाल का जो पानी है उसे निकाल लेंगे और उसे एक बार अच्छे से धोकर इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो 2 बार इसे पीस सकते हैं या एक ही बार में पूरी चना दाल एक साथ में डाल सकते हैं। अभी उसी में डाल देंगे भिगोए हुए पोहे। पोहे को बस 15-20 मिनट भिगोना है और साथ ही में 2 छोटी हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। हरी मिर्च आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अभी इसे हम दरदरा पीस लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, पर ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसका जो बैटर लगेगा वो थिक लगेगा, और दरदरा पीसना है जैसे कि ऐसे। एकदम बारीक हमें बिल्कुल नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा रहेगा तो ही ये रेसिपी का टेक्सचर परफेक्ट बनकर आएगा। एकदम बारीक पीस लिया तो जब आप इसे पकाओगे तब आपको तकलीफ होगी और एकदम अच्छा टेक्सचर भी नहीं आएगा। अभी इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसमें आगे और थोड़े बहुत मसाले ऐड करने हैं ताकि ये बैटर पकने के लिए रेडी हो सके। इसे एक बार अच्छे से मिला लीजिए। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि वो चम्मच से ऐसे गिरना नहीं चाहिए। अब सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, इससे बहुत ही प्यारा कलर आएगा, और साथ ही में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल दीजिए। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। तब तक हम साइड में स्टीमर भी रेडी करके रख देंगे। स्टीमर आपके पास कोई भी हो तो आप ले सकते हैं, या तो फिर जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, किसी कढ़ाई में या भगोले में पानी डाल के और स्टैंड डाल के स्टीमर आप रेडी कर सकते हैं। हमें पहले ही स्टीमर को 5-10 मिनट अच्छे से स्टीम कर लेना है, और जब ये अच्छे से स्टीम हो जाए उसके बाद ही हम बैटर में आगे के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। जैसे कि अभी हम डाल रहे हैं 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, और साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच तेल। अभी इन दोनों चीज़ों को भी बैटर के साथ में अच्छे से मिला लीजिए। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, बस करीब 1 मिनट तक ही मिलाना है। आप अगर बहुत ज़्यादा मिलाते रहोगे तो इसमें थोड़ा जो हल्कापन आता है वो हल्कापन नहीं आएगा, और ये थोड़ा हेवी सा लगेगा, इसलिए आप इसे बहुत ज़्यादा मत मिलाइए, बस 1 मिनट तक और धीरे धीरे। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके बताया इसलिए इतना फास्ट दिख रहा है। चलिए तो इस बैटर को हम उस पॉट में डाल देते हैं जिसमें हमें इसे पकाना है। अभी पॉट को आपने तेल लगाया या ना लगाया फिर भी चलेगा, क्योंकि हमें इसे डीमोल्ड तो करना है नहीं, हम इसे डायरेक्ट ही चम्मच की हेल्प से निकालते हैं, इसलिए हमने इसमें डायरेक्ट ही बैटर डाला है। आप चाहे आपको चाहिए तो आप तेल लगा सकते हैं। अभी हम इसमें इसको स्टीमर में रख देंगे और इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 20 मिनट तक पकाना है। थोड़ा सा ऊपर से अच्छा फ्लेवर और एक प्यारा कलर आने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी पाउडर स्प्रिंकल की है। इससे बहुत ही प्यारा सा कलर आता है और ऊपर से दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। बस अभी इसे ढक के हाई फ्लेम पे या मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में आप अच्छे से इसे पकने दीजिए करीब 20 मिनट तक। अगर आपका बैटर परफेक्ट होगा, परफेक्ट कंसिस्टेंसी का होगा,
तो ये 20 मिनट में पक जाएगा। और अगर आपका बैटर पतला होगा तो देखिए ये पकेगा नहीं और आपके इसका कलर भी थोड़ा सा डल आएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बैटर एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का ही होना चाहिए। अभी फ़िलहाल तो हमारा सूरती लोचो बनकर रेडी है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी यानी हमें काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी लगेगी इसकी, जिसे बनाते वक्त आपने देखा ही होगा। आप चाहे तो इसे ऐसे ही ढक के 10 मिनट तक रख दीजिए ताकि वो अपनी भाप में और थोड़ा पक जाए। अभी मैं बताती हूँ इसे सर्व कैसे किया जाता है। हम किसी भी प्लेट में, जिस प्लेट में हमें सर्व करना है उस प्लेट में इस चम्मच की हेल्प से इस तरीके से हम उसे निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा मैश करके ही खाए तो इसमें पूरी तरीके से अंदर तक फ्लेवर जाएगा और खाने में अच्छा लगेगा। अभी इसके ऊपर मैंने एक चम्मच तेल डाला है। आप इसमें बटर भी और घी भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे हरी चटनी। हरी चटनी मैंने थोड़ी थिक बनाई है, लेकिन नॉर्मली हम जैसे बनाते हैं आप वैसे भी बना सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ये मसाला डाल रहे हैं। अभी इसमें क्या क्या है, इसमें है नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला, साथ ही में थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर। ऐसे आप थोड़ा अपने पसंद के इंग्रेडिएंट्स डाल के, अपने पसंद के मसाले डाल के कोई मसाला स्पेशल बना सकते हैं। इसमें मैंने अमचूर पाउडर वगैरह थोड़ा खटास के लिए डाला है वो मसाला। साथ में चाट मसाला भी डालेंगे, सेव डालेंगे, प्याज डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। और हाँ, अगर आपको पसंद है ना तो आप इसमें खटाई डाल के भी खा सकते हैं। खटाई यानी हम जो चाट के साथ मीठा पानी खाते हैं ना, वो वाला, वो भी इसके साथ बहुत अच्छा लगता है।